न आए हो न आओगे, न फोन पे बुलाओगे, न शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे। न आए हो न आओगे, न दिन ढले सताओगे, न रात की नशीली बाय से नींद में जगाओगे। गए तू गए हो क्यों, रात बाकी है। गए तू गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है। गए क्यों तुझे क्यों, गए क्यों तुझे क्यों। वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग जिसका नाम है जिए क्यों। अगर आपको अनुराग की आवाज पसंद आई और अगर आप अनुराग की आवाज में और भी मजेदार गाने सुनना चाहते हैं तो आप अनुराग को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और साथ ही साथ मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने कौन सा बात किया है यार। सो इंस्टाग्राम के आईडीज मैंने स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले की है, सो फटाफट जाइए और इंस्टाग्राम पे हम दोनों को फॉलो कीजिए। और अगर आप खरीदना चाहते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टी शर्ट्स एंड एक्सेसरीज तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rapcheck.com, जहां पर आपको मिलेंगे काफी सारे रिलेटेबल और क्रिएटिव डिजाइंस। तो बात करते हैं इस गाने की। इस गाने में आपको काफी सारे अलग अलग कॉर्ड्स प्ले करने पड़ेंगे, जैसे कि ई मेजर, जी शार्प माइनर, सी शार्प माइनर, एफ शार्प माइनर, ए मेजर, बी मेजर, और इसके अलावा कुछ वेरिएशंस जैसे कि एफ शार्प माइनर 7, जी शार्प माइनर 7 एंड बी 7। इस गाने में तीन चार अलग अलग तरह के स्ट्रमिंग पैटर्न्स हैं, तो मैं आपको सारे पैटर्न्स अभी सिखा के कंफ्यूज नहीं करूंगा। जब भी वो सेक्शंस आएंगे जहां पे वो रेलेवेंट स्ट्रमिंग पैटर्न्स प्ले होने चाहिए, वहां पे मैं आपको वो स्ट्रमिंग पैटर्न सिखाऊंगा ताकि आप आसानी से उनको याद रख सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस गाने के पहले वर्स के साथ। ना आए हो ना आओगे, ना फोन पे बुलाओगे, ना शाम की करारी चाय लबों से मिलाओगे। ना आए हो ना आओगे, ना दिन ढले सताओगे, ना रात की नशीली बाय से नींद में जगाओगे। तो सबसे पहले यह स्ट्रमिंग पैटर्न कैसा है? स्ट्रमिंग पैटर्न काफी सिंपल है। तो कैसे है? सबसे पहले दो डाउन स्ट्रोक्स और उसके बाद डाउन अप प्ले करना है, लेकिन उसको म्यूट भी करना है। ओके, सो आप कोशिश कर सकते हैं ई मेजर कॉर्ड पकड़ के। और ये सारे कॉर्ड्स पे ही हमको म्यूटिंग करनी है। फिर से एक बार दिखाता हूं। और ये जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है, ई मेजर देन जी शार्प माइनर, सी शार्प माइनर, देन बैक टू जी शार्प माइनर, देन एफ शार्प माइनर, देन बी, देन ए एंड देन बैक टू बी, ये प्रोग्रेशन हमें दो बार प्ले करना है और इससे ये पहला वर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है कोरस सेक्शन।
काहे क्यों इसमें स्ट्रमिंग पैटर्न कैसा है? डाउन 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 अप अप डाउन डाउन फिर से एक बार स्लोली डाउन 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 अप अप डाउन डाउन और यहां पे हम लोग हाफ बार पे शिफ्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है कि ई मेजर पे हम ये पहला पार्ट जो है इसका स्ट्रमिंग पैटर्न का मतलब ये ई मेजर पे आएगा और फिर ए मेजर पे सिमिलरली सी शार्प माइनर पे एंड बी मेजर पे ऐसे हाफ हाफ बार में शिफ्टिंग हो रही है इसलिए ये स्ट्रमिंग पैटर्न भी हाफ में स्प्लिट हो गया। लेकिन जहां पे भी हम फुल बार प्ले कर रहे हैं वहां पे तो ये पूरा का पूरा पैटर्न एक ही कॉर्ड में प्ले होगा, जैसे कि यहां पे एफ शार्प माइनर पे। ओके, तो कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसा है? सबसे पहले ई मेजर हाफ बार, देन ए मेजर हाफ बार, देन सी शार्प माइनर हाफ बार, देन बी मेजर हाफ बार, और इसको रिपीट करना है। हम जाते हैं एफ शार्प माइनर पे जहां पे ये फुल बार प्ले करना है। इसके बाद ए मेजर ला 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 ला। यहां पे बी मेजर पे आपको प्ले करके छोड़ देना है। अप डाउन फिर से एक बार तो ये कैसे होता है? ओके, एंड इसके बाद आता है तो गए क्यों? तो यहां पे कॉर्ड्स कौन सी हैं? ई मेजर, एफ शार्प माइनर सेवन, जी शार्प माइनर सेवन एंड बैक टू ई मेजर। तो एक बार आप ये गाते हैं तो गए क्यों, और उसके बाद चार बार्स के लिए मतलब एक प्रोग्रेशन के लिए एक छोटी सी मेलोडी है। तो आप वहां पे ये कॉर्ड्स प्ले करते हैं। इसके बाद आता है सेकेंड वर्स जो एग्जैक्टली सेम है एकदम फर्स्ट वर्स की तरह, लेकिन उसकी एंडिंग थोड़ी सी अलग है। पहले वर्स की एंडिंग थी कुछ ऐसे गए क्यों, तो हम पहले वर्स की एंडिंग में क्या कर रहे थे कि हम लोग ये प्रोग्रेशन प्ले कर रहे थे ई मेजर एफ शार्प माइनर जी शार्प माइनर एंड देन ई, ये प्रोग्रेशन हम प्ले कर रहे थे। लेकिन सेकेंड वर्स की एंडिंग में हम क्या कर रहे हैं कि इस प्रोग्रेशन को हम आप बोल सकते हैं ये एट बार्स हैं, तो इसको हम चार बार्स अलग प्ले करेंगे और चार बार्स थोड़े से अलग प्ले करेंगे। तो पहले जो चार बार्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं ई मेजर एफ शार्प माइनर जी शार्प माइनर एंड देन बैक टू एफ शार्प माइनर। हम लोग ई पे नहीं जा रहे, हम लोग एफ शार्प माइनर प्ले कर रहे हैं, और उसके बाद जो अगले चार बार्स आते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग ई मेजर एफ शार्प माइनर जी शार्प माइनर एंड देन ई, तो वो कुछ ऐसे साउंड करता है। तो गए ओके, मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं गए क्यों क्यों। ओके,
तो यहाँ पे पहले दो वर्सेस खत्म हो जाते हैं। इसके बाद इस गाने का इंटरलूड सेक्शन आता है जहां पे एक बहुत ही खूबसूरत गिटार सोलो प्ले होता है कुछ इस तरीके से। तो अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं इसका एक वीडियो अटैच करूंगा इस लेसन के एंड में, जो आप देख सकते हैं जो मैंने प्ले किया हुआ है। एंड अगर आप इसको भी सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं और इसके ऊपर भी मैं एक लेसन बना सकता हूं आपके लिए। तो ये जब गिटार सोलो प्ले होता है तब पीछे बैकग्राउंड में कौन सी कॉर्ड्स प्ले होती हैं? तो क्या प्ले कर रहे हैं हम यहां पे? सी शार्प माइनर दो बार्स के लिए। और ए मेजर दो बार्स के लिए। ओके, अब स्ट्रमिंग पैटर्न इसका कैसा है कि आप इसमें वेरी कर सकते हैं। चाहे तो आप जो आपने सेम कोरस के लिए जो प्ले किया था वो आप सेम प्ले कर सकते हैं, या फिर आप इसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इसमें हम छोटा सा गैप और बढ़ा रहे हैं। जो कोरस है वो कुछ इस तरीके से है। ओके, सो ये कुछ ऐसे प्ले होगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से प्ले करता हूं। कॉम्प्लेक्स लगेगा ये अगर आप बिगिनर हैं, लेकिन आप इसको आराम आराम से आई थिंक प्ले करेंगे तो आपको आ जाएगा। कैसा है? डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन डाउन। और ये पैटर्न इसलिए यूजफुल है क्योंकि ये ड्रम्स की जो ग्रूव है उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज होता है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको स्ट्रमिंग पैटर्न सही लगे, या आप कोरस का ही सेम इस पे अप्लाई करना चाहते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न, तो आप वो कर सकते हैं, या फिर आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद वाला सेक्शन इसका ब्रिज सेक्शन, जो बहुत ही पावरफुल है, इंपैक्टफुल है, काफी इंटरेस्टिंग है, और इसके अंदर भी सेम स्ट्रमिंग पैटर्न हम यूज कर सकते हैं जो मैंने इंटरलूड में किया था। डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन डाउन। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से साउंड करता है। इसमें कॉर्ड्स कौन से हैं? सी शार्प माइनर सबसे पहले, सो दो बार्स के लिए हम लोग सी शार्प माइनर प्ले कर रहे हैं। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, हम लोग ए मेजर प्ले करेंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है ना कि दो बार्स के लिए हम लोग ए मेजर प्ले कर रहे हैं, लेकिन जो सेकेंड बार है उसकी फोर्थ बीट पे हम लोग यहां पे बी मेजर पे शिफ्ट करते हैं। तो मैं आपको काउंट करके बताता हूं। है ना, फिर से एक बार। तो फोर्थ बीट पे
आप बी मेजर पे शिफ्ट करेंगे, ओके? तो दो बार सबसे पहले सी शार्प माइनर, उसके बाद दो बार ए मेजर, लेकिन ए मेजर का जो सेकेंड बार है, मतलब टोटल फोर्थ बार इस प्रोग्रेशन का, ए मेजर का सेकेंड बार, उसके फोर्थ बीट पे आप बी मेजर पे आ जाएंगे, और उसके बाद तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हाफ हाफ बार के लिए मैं शिफ्टिंग कर रहा हूं, पहले हाफ बार बी मेजर प्ले करूंगा, मतलब दो बीट्स, फिर थर्ड बीट पे, है ना, थर्ड फोर्थ बीट पे हाफ हाफ बार के लिए मैंने बी मेजर और ए मेजर प्ले किया, और उसके बाद एफ शार्प माइनर, ओके? तो पूरा प्रोग्रेशन आपको दो बार प्ले करना है, मैं एक बार आपको फिर से प्ले करके दिखाता हूं। यहाँ पे ये ब्रिज सेक्शन खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है इस गाने का कोरस, जो एग्जैक्टली सेम है। सेकेंड कोरस भी खत्म, और सेकेंड कोरस को थोड़ा बहुत एक्सटेंड करते हैं, जहां पे सेम कॉर्ड्स प्ले होती हैं, जहां पे सिंगर आलाप लेता है। तो आप ये जो सेम कॉर्ड्स हैं, ई मेजर, एफ शार्प माइनर 7, बी शार्प माइनर 7, एंड बाद में आप या तो ई मेजर पे आ सकते हैं या फिर एफ शार्प माइनर पे आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिंगर, जो भी नोट्स वो प्ले कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली आई थिंक इट्स लाइक एफ शार्प माइनर 7 पे आना, आई थिंक थोड़ा बेटर रहेगा रेदर देन गोइंग बैक टू ई मेजर। तो प्रोग्रेशन आप ये फॉलो कर सकते हैं, ई मेजर, एफ शार्प माइनर 7, बी शार्प माइनर 7 एंड बैक टू एफ शार्प माइनर 7। जितना आपको लंबा आलाप लेना है उतना आप ले सकते हैं, और तब तक ये कॉर्ड प्रोग्रेशन आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है इस गाने का आउट्रो, जिसमें एक इंटरेस्टिंग चेंज है। ये कुछ इस तरीके से साउंड करता है, ना आए हो हमने यहाँ पे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ई मेजर, इसके बाद जी शार्प माइनर 7 यूज कर रहे हैं, जी शार्प माइनर जो हम वर्स में यूज कर रहे थे, जी शार्प माइनर और सी शार्प माइनर, उनकी जगह पे हम यूज करेंगे जी शार्प माइनर 7 एंड सी शार्प माइनर 7, ओके? और उसके बाद हम जाते हैं एफ शार्प माइनर पे, एक फुल बार प्ले करते हैं, उसके बाद बी मेजर हाफ बार के लिए, एंड हाफ बार के लिए प्ले करेंगे B7। इस गाने में ये इस एक ही जगह पे यूज होती है ये कॉर्ड B7, एंड देन बैक टू ई मेजर, ओके? सो एक बार फिर से प्ले करता हूं मैं, ना आए हो ना आओगे ना फोन पे बुलाओगे ना शाम की चलाई जाए लबों से यूं तो यहाँ पे खत्म होता है इस गाने का लेसन। उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल कर सकते हैं, ताकि आपको मेरे सारे गिटार लेसन के बारे में अपडेट्स मिलते रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के आईडीज मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देते होंगे। अगर आपको कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट करना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।
और आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो गिटार प्ले करते हैं, एंड होपफुली वो ये सॉन्ग प्ले कर पाएंगे और अपनी गिटार प्लेइंग और भी एंजॉय कर पाएंगे। जाने से पहले एक और बार, अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग टी शर्ट्स या एक्सेसरीज खरीदना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rapchick.com, जहां पर आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग रिलेटेबल और क्रिएटिव डिजाइंस देखने मिलेंगे। जल्द ही मिलता हूँ आपको एक और गिटार लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।